Hello dear students welcome in this youtube channel uh, this is case study based question and this question is taken from lines and angle chapter of class 9 so let's see what is in the question uh, read the source text given below and answer any four questions rita and rohan were playing a game on parallel lines and the angles formed with the transverse line that is alternate angles corresponding angles and interior angles फर्स्ट रीता ड्र्यू अल स्ट्रेट लाइन ए बी सो दिस इज ए बी स्ट्रेट लाइन रीता ड्र्यू दिस लाइन रोहन ड्रू अनदर स्ट्रेट लाइन सी डी विच इज़ पैरल टू ए बी सो रोहन की लाइन सी डी है जो कि ए बी के पैरल है जो रीता की लाइन ए बी है उसके पैरल है सी डी देन फर्दर अ ट्रांसवर्स लाइन पी क्यू वॉज अ ड्रॉन विच इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी एट एक्स एंड रिस्पेक्टिवली तो उसके बाद एक ट्रांसवर्सलर्सल लाइन क्या होती है जो बाकी लाइन्स को अलग अलग पॉइंट पे काटे उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं जैसे पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल बिकॉज इट इज इंटरसेक्टिंग ए बी एट एक्स पॉइंट एंड सी डी एट वाई पॉइंट तो हमारे पास एट एंगल्स आर फॉर्म्ड Uh, मैं सबके बारे में बता देता हूँ पहले आपको देखो अगर ए बी एंड सी डी पैरल हो और पी क्यू ट्रांसवर्सल हो तो हमारे पास आठ एंगल बनते हैं तो उनमें से चार एक्सटीरियर एंगल होते हैं और चार इंटीरियर एंगल्स होते हैं वन टू सेवन एट दीज फोर एंगल्स आर एक्सटीरियर एंगल्स बिकॉज ये बाहर की तरफ बने हुए हैं ठीक है एंड एंगल फोर थ्री एंगल फाइव एंगल सिक्स दीज आर इंटीरियर एंगल्स बिकॉज ये अंदर की तरफ बने सो दीज आर इंटीरियर एंगल्स कॉल्ड ठीक है तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि वॉट आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो इंटीरियर में ही होंगे अंदर ही होंगे तो फोर का ऑल्टरनेट फाइव होता है दोनों आपस में इक्वल होंगे बिकॉज दिस आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्री का ऑल्टरनेट इंटीरियर सिक्स होएगा ओके नाउ एक्सटीरियर एंगल्स टू का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा एंगल सेवन बिकॉज बोथ विल बी एक्सटीरियर ओके सो वन का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर होगा एट सो so, टू जो है वो सेवन के बराबर होगा एंगल एंड एंगल वन जो है एंगल एट के बराबर होएगा ओके होगा एंगल्स okay, क्या होते हैं चलिए टू का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंगल सिक्स होएगा इनकी खास बात होती है कि ट्रांसवर्सल के ये दोनों ही एक ही तरफ होते हैं ऑल्टरनेट में देखा आपने दोनों अलग अलग साइड में होंगे जैसे फोर है इस साइड है राइट right साइड है तो फाइव उसका लेफ्ट साइड में होएगा तो ये अपोजिट साइड में होते हैं बट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होते हैं और वो लीनियर पेयर नहीं फॉर्म करते हैं और एक इंटीरियर हो तो दूसरा एक्सटीरियर होता है जैसे टू एंगल है तो टू का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा सिक्स होएगा ओके okay? एक एक्सटीरियर है तो दूसरा इंटीरियर है, interior है भी एक ही साइड में और लीनियर पेयर भी फॉर्म ना करें साथ साथ ना हो

ओके टू और फोर आपस में क्या बना रहे हैं दिज आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर इन दोनों का सम वन एटी होता है तो वन और टू भी आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं क्योंकि ऊपर आ रहे हैं, देखो, ये स्ट्रेट उसके आ रहे हैं है ना? तो दिस वट इज द गेम सो नेक्स्ट इज नाउ द डिड टॉस विद्वाइन एंड रोहन won the toss. रोहन ने टॉस जीत लिया है फॉलोइंग रूल्स ऑफ द गेम क्या रूल्स हैं? देखिए नंबर वन

विन द लास्ट क्वेश्चन ही और शी विल विनर जो लास्ट क्वेश्चन जीत गया वो विनर हो गया टोटल ऑफ फाइव क्वेश्चन पांच क्वेश्चन पूछे जाएंगे चलो देखो क्वेश्चन में क्या है आगे मतलब आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पे वो देखो आप काम की बात पर आए वट इज दल्टरनेट एंगल ऑफ एंगल सिक्स ओके एंगल सिक्स का ऑल्टरनेट एंगल कौन सा है सो so, सिक्स का ऑल्टरनेट होगा थ्री बिकॉज दिज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना तो ये थ्री होगा इसका Angle angle so दोनों एक ही दूसरा इंटीरियर हो तो फाइव तो आएगा जी वन का फाइव एंगल फोर अगर वन ट्वेंटी हो तो वट इज एंगल सिक्स अगर एंगल फोर जो है वो वन ट्वेंटी है ये तो सिक्स निकालना है आपको पता ये फोर और सिक्स क्या बना रहे हैं दीज आर कंजेक्टिव इंटीरियर एंगल्स ओके इनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है ओके तो अगर फोर जो है वो 120 डिग्री है तो सिक्स क्या होगा 180 से 120 माइनस कर दो 60 डिग्री आएगा 60 डिग्री आएगा लेट्स सी नेक्स्ट ऑप्शन तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट इज व्हाट इज द सम ऑफ एंगल थ्री एंड एंगल फाइव सो लेट्स सी सो हेयर दिस इज एंगल थ्री एंड एंगल फाइव दे आर ऑल्सो को इंटीरियर एंगल्स मीनस कंजेक्टिव इंटीरियर एंगल्स और एंगल्स इन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इन है ना तो कंजेक्टिव इंटीरियर एंगल्स इनका सम 180 होता है सो थ्री प्लस फाइव विल बी वन एटी डिग्री सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट इज एंगल फाइव इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स सेवन और एट के बराबर होएगा सिक्स और सेवन के बराबर होएगा फोर और एट के बराबर सेवन एंड एट के बराबर सो लेट्स इन द फिगर फाइव एंगल किस किस के बराबर होगा सो फाइव एंगल जो है वो एंगल फोर के बराबर होएगा बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और फाइव जब वो एट के बराबर भी होगा क्योंकि दिज आर वर्टिकल या अपोजिट एंगल्स सो इट मीन्स फाइव एंगल इज इक्वल टू एंगल फोर एज वेल एज एंगल एट सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट फोर एंड एट सो दिस वे वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन थैंक्स फॉर वॉचिंग